चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है सूरदास की पद, मतलब पद जिसके लेखक है सूरदास। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मतलब कहने का मतलब इस चैप्टर पर अभी तक दो वीडियो बन चुका है, एक कविता का सारांश मतलब कविता का हिंदी और दूसरा इसके प्रश्न उत्तर, और तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो पद है उसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। अब इस पद चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि है? ऑप्शन ए कृष्णमयी रामामयी, कृष्ण सई रामाश्रयी और सैव या नॉन। तो जो सूरसागर थे, सूरदास थे, वो किस धारा के कवि है? तो कृष्णमयी कवि है, मतलब कृष्ण की भक्ति वो करते थे। ठीक है, तो सूरदास किस धारा के कवि है? तो ऑप्शन है कृष्ण सई रामाश्रयी सैव या नॉन। तो सूरदास कृष्ण सई धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दीघा गुरु कौन है? कहने के बाद सूरदास के गुरु कौन थे? देखो, सूरदास के गुरु जो है ना वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य, याद रखने वाली बात है। ऑप्शन है नंददास नाभादास वल्लभाचार्य रामानंद। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अब देखो, तीन नंबर, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? ऑप्शन ए नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, कदम के पेड़ पर या नॉन। तो जो कृष्ण थे वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नंद की गोद में, मतलब वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। आगे चार नंबर, सूरदास में किस चीज़ की है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? प्रेम की, कृष्ण के जूठन की, काव्य रचना की, नॉन की। तो उनको किस चीज़ की भूख लगी हुई है? तो कृष्ण की जूठन की। कृष्ण का जूठ भी खा लेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण के जूठन की। पांच नंबर देखिए, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? मतलब सूरदास के समय में कौन सा शासक मौजूद था, ये बताना है। तो सूरदास के समय में अकबर मौजूद था। ये जो अकबर था, सूरदास को अपने अपने यहाँ कुछ बनाने, मतलब अपने यहाँ लाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सूरदास बोले कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समय के ये समकालीन थे। ठीक है ना, आगे देखो, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? कौन सा है? सूरदास जो भी काव्य लिखे उसमें भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। मैं कविता सांस में उसमें बताया था कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सा है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। कौन सी होगा? ब्रज भाषा। अगर सात नंबर, सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो ये जो सूरदास का काव्य है इसमें वत्सल रस का प्रयोग हुआ, मैं बता चुका हूं। तो सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वत्सल रस का प्रयोग हुआ है। अब आठ नंबर देखो, सूरदास किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, देशभक्ति या मातृभक्ति। तो सूरदास किस भक्ति के कवि थे? किस भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति के कवि थे। कहाँ का थे? कृष्ण भक्ति के कवि थे। अब नौ नंबर देखो, सूरसागर किनकी रचना है? देखो, सूरसागर इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर किनकी? सूरदास की। तो सूरसागर किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी गंगदास, ऑप्शन डी रैदास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास। ये सूरदास का जो सूरसागर है बहुत विश्व प्रसिद्ध रचना है। आगे दस नंबर, सूरसागर कौन सा ग्रंथ है? बोला विश्व प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध, क्षेत्र प्रसिद्ध या ब्रज भाषा क्षेत्र प्रसिद्ध। तो सूरसागर जो ना सूरदास के लिखी हुई है, लेकिन यह जो ग्रंथ है यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पद जिसके चैप्टर से जिसके लेखक है सूरदास, इससे समय 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ठीक इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।